हाय दोस्तों, हेलो, सुबह संध्या, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड आई एम एलिस एंड टुडे वी आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। क्या सुना आपने? सही सुना कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जैसे कि कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में दो ही सवाल आना चाहिए, और वो क्या है कि हम उस काम को क्यों करें और कैसे करें। अगर ये दोनों सवाल का जवाब आपको मिल गया तो ऑब्वियसली आप उस काम को ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल का इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्यों करें, उसका इम्प्रूवमेंट क्यों करें और कैसे करें, ये बाद में सीखेंगे। तो पहला चीज़ तो ये है, देखिए, मान लीजिए कि कोई भी आपके अंदर में कोई फीलिंग्स हो या फिर कोई आइडिया हो या फिर कोई थिंग्स हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो, और आप क्या करना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरों के सामने, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है दूसरों के सामने। अगर ये स्किल आपको पता नहीं है, जब हम ट्रांजेक्ट करते हैं उस थिंग्स को, तो सामने वाला बंदा ये समझ जाता है, यार ये तो एक बता इंसान है, उसको कुछ भी पता नहीं है। उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी का जो लेवल है वहाँ नहीं रहकर थोड़ा नीचे आ जाता है। समझ गए मेरे बात? तो इसी हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही साथ आपके ड्रेसिंग सेंस डिसाइड करता है कि आपकी जो पर्सनालिटी का लेवल क्या है और आप कौन सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी जो सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ये डिसाइड करता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना ये बेहतर ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि क्यों कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। अभी चलो सीखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मतलब उसका फोर बेसिक पिलर्स होता है, और वो क्या होता है, उसे कहा जाता है कि LSRW स्किल। क्या है? चार स्किल होता है। क्या? LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग, जितना ज़्यादा हो सके सुनो। दूसरा हो जाता है स्पीकिंग, कुछ ना कुछ बोलते रहो, ठीक है। उसके साथ आ जाता है, उसके बाद रीडिंग आ जाता है, रीडिंग स्किल, किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, जो कुछ भी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि हमारा, जैसे कि राइटिंग स्किल कहा जाता है, और ये सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्किल होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, चार स्किल के बारे में बताया, और वो क्या क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आ गया समझ में? तो चलिए उसको, जो चार स्किल मैंने बताया उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो क्या क्या है, दो को क्या कहा जाता है, रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। और वो क्या है, जैसे कि हो गया लिसनिंग हो गया या तो रीडिंग हो गया, ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। रिसेप्टिव मतलब क्या है, कुछ रिसीव करना, कुछ इनपुट लाना आपके अंदर, ठीक है। जब मान लीजिए कोई आप न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें से आप किताब पढ़ते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो वोकैबुलरी का जो नॉलेज है ना, वो इम्प्रूव हो जाता है। आप क्या, अगर रोज़ पढ़ते रहेंगे ऐसा समय आएगा क्या, आप भी एक डिक्शनरी बन जाएंगे। और जब लोगों के साथ बातचीत करेंगे, अगर उस जो स्टैंडर्ड वोकैब को यूज़ करेंगे ना, तभी आपके अंदर में क्या, एक प्रकार की चार चंद लगने जैसा फीलिंग्स लोगों को आएगा। वो सोचेंगे कि अरे बाप रे, ये तो एक जीनियस पर्सन है, उसके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ वोकैब है ना, ये तो गजब के लेवल की है यार, ऐसा ही सोचेंगे। समझ गया ना? साथ ही साथ आप जितने ज़्यादा सुनेंगे, कोई बातचीत करेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन के लेवल हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको, और बातचीत करने में कोई हेजिटेशन नहीं आएगा। जब तक आपके पास कंटेंट नॉलेज है, वोकैब है, तब आप जब कोई भी बात को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे के सामने ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस की जो लेवल है, ये तो काफ़ी वहाँ रहेगा भाई। समझ गया ना मेरे बात? तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि जो भी हम सीखते हैं, जो कि हम सुनते हैं, जो कि हम पढ़कर सीखते हैं, उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे? बोलकर प्रैक्टिस करेंगे या तो लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, और दोनों ही करना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं, और जैसे कि पेन एंड पेपर मोड, लिखना या तो ईमेल करना, ये सारी चीज़ बहुत ही कम होता है, ये तो बेसिकल ऑफिशियल काम में यूज़ होता है। और हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये हमेशा होता ही रहता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जितना ज़्यादा हो सके उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। आप लोगों क्या करेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल इतना बेहतर लेवल तक ले जाइए कि लोग आपको देखकर सलाम ठोकेंगे, ठीक है। तो मेरा भी कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और मैं कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा ही क्या होता है आगे, ठीक है। चलिए, रहते, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।